क्या आपका फेस भी पहले से डार्क और डल हो चुका है? आपको बहुत सारी कील मुहासों की प्रॉब्लम रहती है। आपके जो फेस की स्किन है काफ़ी ज़्यादा पहले से लूज़ हो चुकी है, रिंकल्स और फाइन लाइंस आना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। इस वीडियो में आपको एक कमाल की होम रेमेडी बताने वाली हूँ जिससे आप इन सभी अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आपको एक कमाल की होम रेमेडी बताने वाली हूँ जिसका जो हीरो इंग्रेडिएंट है वो है लिकोराइस पाउडर, यानी कि मुलेठी पाउडर। गाइस, जो मुलेठी है ना वो हमें अपने घरों में, हमारे किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। जितनी ये हमारे इंटरनल हेल्थ के लिए अच्छी है उतनी ही ये हमारी स्किन और हमारे हेयर के लिए भी अच्छी है। मुलेठी में एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी मौजूद होते हैं जिससे आपकी स्किन जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है। इसीलिए ये आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अगर आप इसका इस्तेमाल अपने फेस में करेंगे तो आपको अपने फेस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपकी स्किन में डार्कनेस है, अगर आपकी स्किन में रिंकल्स की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, आपको पिंपल्स होते हैं उसकी वजह से आपके चेहरे पे मार्क्स जो हैं वो रह गए पिंपल मार्क्स, तो ये उन्हें फेड आउट करेगी, यानी कि उन्हें क्लियर करने का काम करेगी। अगर आपके फेस की स्किन जो है वो लूज़ होती जा रही है तो ये आपकी स्किन टाइटनिंग का भी काम करेगी। ये चेहरे से डेड स्किन को रिमूव करेगी, प्लस कि जो कोलेजन प्रोडक्शन है उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करेगी जिससे आपकी जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और सप्पल बन जाएगी। गाइस, मुलेठी को नेचुरल स्किन ब्राइटनिंग एजेंट भी माना जाता है। इससे आपकी स्किन पहले से काफ़ी ज़्यादा ब्राइटन अप और लाइटन अप जो है वो हो जाती है। गाइस, जो मुलेठी है वो दिखने में कुछ इस तरह की होती है, छोटी छोटी ना सूखी लकड़ियाँ होती हैं। आप चाहो तो खुद घर में ही इसका जो है पाउडर आप खुद से बना सकते हो। जस्ट आपको इसे ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। अगर आपको घर में नहीं बनाना है तो मार्केट में आपको इसका जो पाउडर है वो बहुत ही ईजिली मिल जाता है। अगर आपको ऑनलाइन भी परचेज करना है तो आपको ऑनलाइन भी बहुत ईजिली मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप मुलेठी पाउडर के साथ फेस मास्क कैसे बना सकते हो। सबसे पहले आपको 2 चम्मच लेने हैं मुलेठी पाउडर के, उसमें आपको 1 चम्मच ऐड करना है बेसन का। ठीक है, 2 चम्मच मुलेठी पाउडर, 1 चम्मच आपको ऐड करना है बेसन का। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रोज़ वाटर। ठीक है, आप रोज़ वाटर की जगह कच्चा मिल्क जो होता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, हनी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, दही का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर ऐड किया है। अब हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ठीक है, अगर आपको पेस्ट थिक लगे तो आप इसमें और रोज़ वाटर जो वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको एक फाइन सी कंसिस्टेंसी वाला ना पेस्ट तैयार कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको अपने फेस पे लगाने के लिए आपको इजी रहे। गाइज, उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक फेशियल ऑयल, ये पॉमीग्रेनेट फेशियल ऑयल है बाय स्विस ब्यूटी। गाइज, फेशियल ऑयल डालने का मेन पर्पस क्या है कि इससे अगर आपकी स्किन ड्राई होगी, क्योंकि मुलेठी पाउडर के साथ आपकी जो सीबम प्रोडक्शन है ना वो कम होती है, सो फेशियल ऑयल डालने के साथ आपको अपने फेस में बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं फील होगी और ये इस मास्क को ना और भी ज़्यादा ज़बरदस्त बनाने का भी काम करता है। गाइस, ज़रूरी नहीं है कि मैंने पॉमीग्रेनेट फेशियल ऑयल डाला है आपको भी वही डालना है। आपके पास जो भी फेशियल ऑयल अवेलेबल है आप वो डालो, चाहे आप आर्गन ऑयल डाल लो, चाहे आप कोकोनट ऑयल डाल लो, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हो। 3 से 4 ड्रॉप्स आपको डालनी है। अच्छे से मिक्स करने के बाद देख सकते हैं हमारा फेस मास्क जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम अपने फेस को कर लेंगे अच्छे से क्लीन, अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसे अच्छे से ना एक थिक लेयर में अपने फेस में अप्लाई कर लेंगे। आपको इसे 15-20 मिनट तक अपने फेस में ऐसे ही छोड़ देना है। 15-20 मिनट के बाद ना क्या करना है कि अपने मास्क को ना थोड़ा सा गीला करके ना इसके साथ अपने फेस में 2 मिनट तक मसाज कर लेनी है। उससे आपकी जितनी भी डेड स्किन होगी सारी रिमूव हो जाएगी, आपकी स्किन को ये एक्सफोलिएट कर देगा अच्छे से, आपकी स्किन में जो पोर्स ग्लो होंगे उसे भी ओपन कर देगा अच्छे से। ठीक है ना, एक तरह से ये आपके फेस को अच्छे से स्क्रब कर देगा। देन आप इसे अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद जो भी आप मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं आपको उसी मॉइस्चराइजर के साथ अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज ज़रूर करना है। गाइज, अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो जो भी हम होम रेमेडी अपने फेस में ट्राई कर रहे हैं उसका आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो अपने फेस को हमेशा ही अच्छे से मॉइस्चराइज और अच्छे से हाइड्रेटेड रखिएगा, खूब सारा पानी पीजिएगा और अपने फेस को जब भी आपको नीड हो अपने फेस अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिएगा। गाइज, इस मास्क को ना आपको वीक में 2-3 बार जरूर अपने फेस पे अप्लाई करना है, तभी आपको इसके जो रिजल्ट्स हैं वो
दिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे होम रेमेडी इस्तेमाल करें तो होम रेमेडी को ना स्किन में वर्क करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको बहुत ही सब्र के साथ काम लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि रातों रात ही आपके फेस को एकदम से चमका देगी, सो आपको पेशेंस के साथ इसे रेगुलरली अप्लाई करना है। आपको विद इन 1 मंथ इसके जो रिजल्ट्स हैं वो दिखने लग जाएंगे, आपकी स्किन को इवन कर देगा, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उसे रिमूव कर देगा, रिंकल्स फाइन लाइन उसे रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, अगर आपके फेस में डार्क स्पॉट्स हैं उन्हें कम करेगा। ओवरऑल ये मास्क आपके फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है, सो आप इस मास्क को ज़रूर ट्राई करके देखेगा, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस मास्क के साथ। सो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा। सो मिलते हैं ऐसे ही अनदर वीडियो में, टिल देन बाय बाय।